हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशिश शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे केजीएफ चैप्टर वन और एएसएन, ये दोनों फिल्मों के बारे में। कैसे ये दोनों फिल्म सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो बोलते हैं बहुत बड़ा तूफान आना बाकी है। कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से अब बैक टू बैक बहुत बड़े बड़े तूफान देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर कनाडा फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं अच्छी फिल्मों को प्रमोट कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर हर एक इंडस्ट्री की मैं अच्छी फिल्मों का रिव्यू करता ताकि ऑडियंस तक अच्छी फिल्में पहुंचे। मैं कोई दूसरी एकदम बकवास पिक्चर का रिव्यू नहीं करता ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, ना ही मेरा टाइम वेस्ट हो। मैं यहाँ पर ऐसी फिल्में आप लोगों को सजेस्ट करता जो आप घर बैठ के अपनी फैमिली साथ एंजॉय कर सकते हो और आपको अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आज जो फिल्मों की बात कर रहा हूं, इस फिल्मों ने सिर्फ लोगों की थिंकिंग नहीं बल्कि मेरी भी थिंकिंग बदल दी थी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि सैंडलवुड नाम की कोई इंडस्ट्री भी है। मैं तो हमेशा सोचता था कि भाई बॉलीवुड है या तो फिर हॉलीवुड है या तो फिर साउथ की मूवी। ये भी नहीं मानता कि भाई टॉलीवुड किसको बोलते हैं, हॉलीवुड मॉलीवुड कुछ भी नहीं मानता। हम लोग साउथ हिंदी डब मूवी देखते थे जहां पर आपको मोस्टली तमिल और तेलुगु देखने को मिलती थी या कुछ कुछ मॉलीवुड यानी मलयालम देखने को मिलती थी। लेकिन ये नहीं मानता कि भाई ये कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की है। लेकिन जब केजीएफ चैप्टर वन रिलीज हुई थी तब मालूम पड़ा कि भाई केएफआई नाम की भी एक इंडस्ट्री है। खैर, जब केजीएफ चैप्टर वन रिलीज हो रही थी तो ये मूवी शाहरुख खान जो कि हिंदी बहुत बड़े सुपरस्टार है, मैं खुद उनका फैन हूँ, उनकी मूवी जीरो के सामने रिलीज हुई तो काफी लोगों को लगा कि भाई केजीएफ चैप्टर वन इतनी नहीं चलेगी। लेकिन कुछ लोग थे जिनको लगा था कि हाँ भाई जो विजुअल्स हमें ट्रेलर में देखने को मिला बाकी फिल्म में अगर वैसा होता है तो फिल्म वाकई में जीरो को पछाड़ देगी। और ऐसा ही हुआ, जीरो मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई और केजीएफ चैप्टर वन जितना उसका बजट था उससे कहीं ज्यादा कमाई। और अब तो ऐसा सिचुएशन हो गई कि केजीएफ चैप्टर टू के लिए इतना ज्यादा लोग वेट करे, इतना ज्यादा लोग वेट करे, मतलब बुक माई शो पे जाके देखो सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है केजीएफ चैप्टर टू के लिए। और 100% ये मूवी बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मैं आपको बता दूं, बाहुबली अब तक हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी वो है बाहुबली। लेकिन केजीएफ चैप्टर टू एक ऐसी मूवी जो वाकई में बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि केजीएफ में पहली बात तो रॉकिंग स्टार यश ने जो परफॉर्म किया था और आज जो सिचुएशन है हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से जो अपराधी लोग या तो जिस तरह क्रिमिनल माइंड या जिस तरह की चूती हरामी लोग बढ़ गए, तो उस लोगों को खत्म करने के लिए रॉकी भाई जैसा एक इंसान चाहिए। तो केजीएफ चैप्टर टू में जो रॉकी भाई ने जो रोल प्ले किया ना, वो एक बोलते ना लोगों से ना फैन से एकदम इजीली कनेक्ट हो गया। और जो इंसान चाहता ना कि मतलब उसके दिल में जो गुस्सा है, जो कुछ आक्रोश भरा था सोसाइटी के खिलाफ या उन गुंडों के उन पॉलिटिशियन के खिलाफ, तो रॉकी भाई को जब स्क्रीन पर देखते हैं तो लोगों का एकदम अंदर से जो भरा जैसा रहता है कि रॉकी भाई खत्म कर दो। कहीं ना कहीं वो एक कैरेक्टर नहीं रॉकी भाई, लोगों के ना इमोशन है जो पर्दे पे हमें स्टॉकिंग स्टार यश प्ले करते हुए नजर आता। और केजीएफ के डायलॉग बोलो, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक बोलो, स्क्रीन प्ले बोलो, सिनेमेटोग्राफी बोलो, और प्रशांत नील सर ने जिस तरह से डायरेक्ट किया था पूरी फिल्म को, वो फिल्म मतलब ऐसा लगता हर एक सीन है ना आपके रोंगटे खड़े करता हर एक सीन। और मतलब इस तरीके की मास्टरपीस मुझे लगता है कि 100 सालों में एक ही बनती वो है केजीएफ चैप्टर वन। तो जिन लोगों ने केजीएफ चैप्टर वन नहीं देखा तो भाई ये अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे हिंदी में है अभी भी। अगर नहीं देखे कुछ ऐसे चूतिया नल्ले पड़े होंगे जो अभी तक केजीएफ चैप्टर वन को नहीं देखे, तो भाई जाके देख लो, ऐसा मास्टरपीस एक ऐसा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो आपको कहीं और कोई भी इंडस्ट्री वाले नहीं दे सकते, जो कि सैंडलवुड ने दिया, जिसका नाम है केजीएफ चैप्टर वन। केजीएफ चैप्टर टू अक्टूबर 23 में रिलीज होने वाली इसी साल, तो उससे पहले केजीएफ चैप्टर वन देख लो। अब मैं बात करता हूं एएसएन की। देखिए एएसएन का जब ट्रेलर आया, ये भी एक सैंडलवुड मूवी है, तो एएसएन का ट्रेलर मोस्टली यूथ लोग हैं, जो यंगस्टर लोग हैं स्पेशली जो हिंदी ऑडियंस की, उन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि लोगों को नहीं मानता कि रक्षित शेट्टी कौन है। जैसे कि यश के बारे में नहीं मानता, वैसे रक्षित शेट्टी के बारे में नहीं मानता। लेकिन जब इस फिल्म का ट्रेलर आया, ये फिल्म मूवी का जो ट्रेलर था वो बहुत लंबा ट्रेलर था, वो इतना लंबा ट्रेलर था जिसमें आपको बहुत कुछ एक्शन, बहुत कुछ जबरदस्त बीजीएम और एक ऐसी कहानी जो मतलब लोगों ने इमेजिन नहीं की थी और ऐसी इंडस्ट्री से आ रही थी जिसके बारे में केजीएफ के बाद मालूम पड़ा था कि भाई इस तरीके की भी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है हिंदी ऑडियंस को, तो लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए थे। और ये मूवी मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज होने वाली थी, जैसे कि आपको सबको पता है पैन इंडिया रिलीज होने वाली थी। लेकिन अफसोस अक्षय कुमार की मूवी गुड न्यूज की वजह से इस मूवी को रिलीज नहीं किया, क्योंकि बॉलीवुड वालों को मालूम पड़ गया था कि केजीएफ चैप्टर वन के बाद लोगों का जो क्रेज है वो सैंडलवुड की तरफ बढ़ चुका है। और एएसएन के ट्रेलर को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला था, अगर वो फिल्म यहां रिलीज हो जाती तो डेफिनेटली गुड न्यूज को बहुत बड़ी टक्कर देती। अब टक्कर क्या, अगर तुम कंटेंट देखोगे ना, मैंने दोनों फिल्म देखा हो, तो कंटेंट वाइज और इमेजिनेशन वाइज और एक क्रिएटिविटी वाइज देखेंगे ना, तो ये भाई ये मूवी थी ना जो एएसएन वो सबसे जबरदस्त थी, वो टॉप पे थी और डेफिनेटली वो हिंदी ऑडियंस को पसंद आती। और गुड न्यूज हम 100% फ्लॉप तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतना कह सकते उसके बिजनेस में काफी हद तक फर्क पड़ता है। लेकिन बॉलीवुड की गंदी पॉलिटिक्स की वजह से एएसएन रिलीज नहीं हुआ। अब तो ऐसा हो गया कि एएसएन भी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो से मिलती है, लेकिन वो हिंदी में अभी भी नहीं मिलती है। हाँ इंग्लिश सबटाइटल के थ्रू मिलती है, लेकिन हिंदी में नहीं मिलती, शायद क्योंकि रक्षित शेट्टी ने एएसएन का डबिंग किया था हिंदी में, वो उसने ट्विटर पर अनाउंस भी किया था लेकिन उसको रिलीज नहीं किया। शायद वो आने वाले कल में रिलीज करे, लेकिन अभी तो गुंजाइश बहुत ना की बराबर खत्म हो गई, क्योंकि रक्षित शेट्टी अभी अपने अगली फिल्म चार्ली के लिए शूटिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब एडवेंचर ऑफ श्रीमन नारायण का कुछ होप होने वाला है, क्योंकि अब बहुत से लोगों ने देख लिया उसको कन्नड़ लैंग्वेज में ही विद इंग्लिश
मैटर, क्योंकि अगर अच्छी फिल्म हो तो ऑडियंस देखती है। आप उसको हिंदी में रिलीज करो या ना करो, अगर फिल्म अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, यूनिक है और वो अपीलिंग है, लोगों को अपील करता है, तो डेफिनेटली जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, एएसएन एक ऐसी फिल्म है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपके दिमाग का पूरा खेल है। वो चूतिए नल्ले लोगों को फिल्म पसंद नहीं आएगी ना समझ में आएगी, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक रक्षित शेट्टी ने इस फिल्म को इतना जबरदस्त लिखा है अपने दूसरे और राइटर्स के साथ कि मतलब आदमी का दिमाग पूरा चलता रहेगा कि यार क्या हो क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा हाँ चाहिए ये सब चला था, ये सब चला था। और मैं बोल रहा हूँ कि इतना ब्रिलियंटली इस फिल्म को बनाया, पूरी रक्षित शेट्टी की टीम को बोलूंगा कि मतलब हैट्स ऑफ, क्योंकि इस तरीके की फिल्म मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी बॉलीवुड को टक्कर दे सकती थी, लेकिन भाई अब तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाले खुद अपनी कुर्सी संभालने के चक्कर में कि भाई अब को भाई पता चला कि कोई सैंडलवुड से और धमाकेदार फिल्म ना जो कि आने वाली, जैसे कि रॉबर्ट हो गई या तो फिर युवा रत्न हो गई, उसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्म आने वाली जैसे कोटी गोबा 3। लेकिन फिर भी ये सब जो फिल्म है वो KFI की तरफ से बहुत ही जबरदस्त आने वाली। खैर मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई कोई भी इंडस्ट्री की फिल्म अगर फिल्म अच्छी है, फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप लोग को डेफिनेटली जाके देखना चाहिए। तो ये दोनों फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो से मिल जाएगी। तो देखिए इस वीडियो में मैं किसी भी इंडस्ट्री को बुरा बोलना नहीं चाह रहा था, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, बस आप लोगों की जो थिंकिंग है वो बदलो। अगर हॉलीवुड फिल्म हो, बॉलीवुड हो या सैंडलवुड हो या टॉलीवुड हो, मॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, जो भी हो, अगर फिल्म के कॉन्सेप्ट अच्छा है, फिल्म अच्छी है, तो लैंग्वेज के बारे में सोचो, विद सबटाइटल देखो और उन लोगों के काम को अप्रिशिएट करो, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत से एक फिल्म बनाते हैं। तो फिल्म बनाने के पीछे जितनी मेहनत लगती है, अगर आप लोग उसे नहीं देखोगे, उसको नहीं सराहोगे, तो वो इस तरीके की मास्टरपीस को दोबारा से नहीं बनाएंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखो तो दिल से थैंक यू। तो बस इस वीडियो की लिंक को ज्यादा शेयर करना। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, जिले दुआ में याद रखता। मैं हूँ आशीष और आप सब है, तो बस।